हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ नेटवर्क्स जिसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइट एरिया नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था सो so, uh, लास्ट वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू और जो नेटवर्क मैंने बताया था ये जनरली आपके uh, डिस्टेंस बेस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं यानी कि जोग्राफिक एरिया के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं अगर आपका टेन मीटर के आसपास का डिस्टेंस है विद इन अ रूम है तो हम उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कह देते हैं वहीं अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो के किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग या आपका कैंपस में हम कोई नेटवर्किंग करते हैं तो हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क में कंसिडर करेंगे एंड मेट्रोपोलिटन एरिया जैसे पचास किलोमीटर के आसपास का एरिया है यानी कि किसी पर्टिकुलर सिटी में हमें नेटवर्किंग करनी है तो आप मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं एंड वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट एक अच्छा एग्जांपल है यानी कि थ्रू आउट द कंट्री या किसी कंटिनेंट या ग्लोबली हम किसी दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं दो सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं दैट विल बी कंसिडर इन वाइड एरिया नेटवर्क सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं जो डिफरेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है सो so, आज का वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आज हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं सो so, हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम की और सेकेंड वन इज़ टोपोलॉजी जो सेकेंड आपका कॉन्सेप्ट है वो टोपोलॉजी का है सो so, दोनों ही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आपको वीडियो देखना है समझना है अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं सो देखिए ट्रांसमिशन मीडियम की बात करूं तो जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं और आप उसको घर पे अच्छे से देख पा रहे हो सुन पा रहे हो या फिर रेगुलर हमारी रिज्यूम होती है कभी क्लास तो क्लास में हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो मेरी आवाज़ यानी कि जो साउंड है वो आप तक पहुंचती है या फिर आप में से कोई किसी से कम्युनिकेट करता है कन्वर्सेशन करता है तो जो साउंड है वो कैसे ट्रेवल करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास कैसे सुनाई देती है इमेजिन करना क्योंकि उसके लिए जो है मीडियम रिक्वायर्ड होता है और वो है एयर यानी कि अगर एयर हमारे पास अवेलेबल है नियर बाई तो हम अपना जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं उसे पहुंचा सकते हैं वहीं अगर आप इमेजिन कीजिए आप वैक्यूम में हैं और वैक्यूम में अगर आप कोई मूवी चला के देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी सिर्फ आप वीडियो देख पाएंगे क्योंकि आपका जो वैक्यूम है उसमें एयर नहीं होता है तो मीडियम नहीं होगा तो वो आपका जो साउंड ट्रे, है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा तो हर एक जो आपका डेटा है या फिर मैं कहूँ मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है तो यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे हैं सिग्नल्स की कि अगर नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं तो एक जगह से सिग्नल uh, जो है दूसरी जगह जाएगा एक नोड से दूसरे नोड पे जाएगा तो उसको एक मीडियम चाहिए ट्रांसमिशन के लिए और वो ट्रांसमिशन के लिए जो मीडियम है वो हम दो तरीके से स्टडी करेंगे जनरली कैटेगराइज करते हैं हम उसको दो तरीके से वायर्ड और वायरलेस ओके यहाँ पे आप टेक्निकली उसको कहेंगे गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम गाइडेड मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें हम फिज़िकल कंडक्टर का यूज करते हैं यानी कि केबल्स का यूज़ करते हैं जबकि अनगाइडेड मीडियम में हम किसी प्रकार के फ़िज़िकल कंडक्टर का यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम लोग एक जगह से डेटा को दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो जो भी आप ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिक्स कोकजेल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल देखते हैं वो गाइडेड मीडिया के अंदर आती हैं जबकि जो माइक्रोवेव है रेडियोवेव या इन्फ्रारेड है इनकी हेल्प से अगर हम कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो वो आपका अनगाइडेड मीडिया के अंदर आता है सो ट्रांसमिशन मीडिया रेफर्स टू द चैनल और ट्रांसमिशन थ्रू विच द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नोट टू अनदर तो डेफिनेशन वाइज आपको याद रखना है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जैसे ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन लिखनी है ट्रांसमिशन मीडिया की और फिर हम कहेंगे कि उसके टू टाइप्स हैं टू कैटेगरी हम उसकी बना सकते हैं गाइडेड और अनगाइडेड देन हम डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल देंगे तो ये आपका जो है एक फुल मार्क्स कवर करने के लिए आपका क्वेश्चन हो जाता है ट्रांसमिशन मीडिया पे तो जो भी आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं मोबाइल के थ्रू करते हैं 3G 4G डिफरेंट केबल्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है दीज ऑल आर जस्ट बिकॉज ऑफ़ मीडियम कि ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास अवेलेबल है वो चाहे वायर्ड हो या फिर वायरलेस है एंड और इफ़ेक्टिव आंसर करने के लिए आप ये डायग्राम भी साथ में ड्रॉ कर सकते हैं इससे आपका क्लियर uh, हो जाता है कॉन्सेप्ट कि कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो दो तरीके का होता है गाइडेड और अनगाइडेड गाइडेड मीडिया वायर्ड होता है यानी कि हम केबल्स का यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल कोएक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल वहीं पे अगर मैं बात करूं अनगाइडेड मीडिया की तो वो वायरलेस होता है जैसे रेडियो वेव्स हो गया माइक्रोवेव्स हो गया इन्फ्रारेड वेव्स हो गया तो दिस इज़ कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया नाउ सेकेंड जो आपका टॉपिक है वो टोपोलॉजीज है एंड जो टोपोलॉजी है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का नेटवर्किंग से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप होता है टोपोलॉजी का सो so, डिपेंड करता है कि अब बात करूँ मैं टोपोलॉजी की तो टोपोलॉजी होती क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो नेटवर्क में आपके जो सिस्टम्स होंगे जो कंप्यूटर्स होंगे जिनको हम नोड्स कहते हैं वर्क स्टेशन कहते हैं एंड यूजर्स कहते हैं जब वो किसी नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो वो किस तरीके का लेआउट फॉर्म करेंगे वो आपका टोपोलॉजी कहलाता है यानी कि आप हो सकता है कि तीन कंप्यूटर्स को देखें किस किस तरीके से जोड़ कर सकते हैं देखिए आपके पास ये थ्री सिस्टम्स हैं आपने फर्स्ट को सेकेंड से जोड़ा सेकेंड को थर्ड से या फिर हो सकता है फर्स्ट जो सेकेंड नंबर है उसको फर्स्ट से भी सेकेंड से भी और फर्स्ट और थर्ड को भी आपने क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया या फिर जो है और भी आप अगर कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो वो पॉसिबल है तो दिस इज कोल्ड अरेंजमेंट ऑफ द नोड्स जो इंडिपेंडेंट नोड्स हैं उनका अरेंजमेंट ही आपका टोपोलॉजी कहलाता है तो डेफिनेशन इजी वे में आप कैसे लिखेंगे देखिए द अरेंजमेंट और लेआउट ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कोल्ड द नेटवर्क टोपोलॉजी तो एक सिंपल लाइन में आप इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं जनरली हम टोपोलॉजी को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं ओके इसको वैसे हम लोग जो टाइप ऑफ टोपोलॉजी की बात करें तो आप फोर टू फाइव आप अलग अलग लिखेंगे उसको कि आपका बस टोपोलॉजी है आपका जो ट्री टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी है बट जब बात करें ब्रॉडली की कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो दो तरीके के कॉन्सेप्ट हम टोपोलॉजी में फॉलो करते हैं एक ब्रॉडकास्ट और दूसरा पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट में क्या होता है जैसे आपका टीवी पे चैनल ब्रॉडकास्ट होता है तो एक कोई पर्टिकुलर नंबर चैनल पे हमेशा वही आपका चैनल दिखाई देगा यानी कि डीडी नेशनल है तो उस पर डी नेशनल ही आएगा उस नंबर पे क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग है यानी कि एक सिंगल लिंक जो है वो शेयर किया जाता है सभी के साथ वहीं पे पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है हर एक नोड जो है बाकी सब से इंडिविजुअली कनेक्टेड होता है तो उस केस में क्या होता है हमारा जो ट्रांसमिशन uh, है वो आपका एक तो ट्रैफिक नहीं होता है और एक इंडिपेंडेंट आप किसी भी रेस्ट ऑफ नेटवर्क में रेस्ट ऑफ नोड से जुड़ पाते हैं तो ये जो है दो तरीके हैं ब्रॉडकास्टिंग और पॉइंट टू पॉइंट दोनों याद रखना है तो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो मेनली बस एंड रिंग टोपोलॉजी फॉलो करता है एंड पॉइंट टू पॉइंट जो है वो स्टार और मैच टोपोलॉजी फॉलो करता है और जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें एक समस्या हमारे पास आती है क्योंकि हम सेम फिज़िकल लिंक शेयर करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में और अगर सेम फिज़िकल लिंक शेयर करेंगे तो उस लिंक को आपके कोई भी नोड एक्सेस कर सकता है और कोई भी नोड उसको एक्सेस करेगा तो कोई भी सेंड भी कर सकता है डेटा और रिसीव भी कर सकता है उस केस में आपका कोलिजन होने की समस्या होती है कि सिग्नल जो है कोलाइड हो जाए कोलाइड से मतलब है कि दो सिग्नल्स टकरा सकते हैं और टकराते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें आवाज़ आएगी टकराने का मीनिंग है कि वहाँ पे आपका डेटा लॉस होने की चांस इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको कम करने के लिए हम लोग कोलिजन रिजोनिशन मैकेनिजम्स का यूज़ करते हैं जब भी ब्रॉडकास्टिंग टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इनके सभी के बेनिफिट्स भी हैं तो ड्रॉबैक्स भी हैं उनके साथ हम लोग इनको स्टडी करेंगे सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी ये तो पहली बात तो ये ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता है एंड इसमें क्या होता है आपके पास एक सिंगल चैनल होता है यानी कि बैकबोन केबल जिसको हम बोलते हैं और उस पर डिफरेंट नोड्स जो हैं डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेज जो हैं वो टैप की हेल्प से क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं नाव सारे डिवाइसेस क्या होते हैं कभी भी अपना डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट वन है कि इसमें हमारे पास इंस्टॉलेशन जो है वो इजी होता है क्योंकि एक सिंगल वायर पे हमें कनेक्ट करना होता है एंड कॉस्ट हमारी कम आती है क्योंकि हमें ज़्यादा केबल्स की यूज नहीं करना यूज नहीं होता है बट एक समस्या हमारे पास आती है कि अगर कहीं पे कोई फॉल्ट uh, आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करना उसको आइसोलेट करना थोड़ा सा uh, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है उसमें चेक करना क्योंकि हो सकता है उसको कौन सा नोड है जिसमें समस्या है वो पता नहीं कर पाते हैं जनरली हम तो ये एक समस्या यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है बस टोपोलॉजी के अंदर दूसरा हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है अगर बस टोपोलॉजी को आप फ, आ, आ, जो फर्स्ट एंड और लास्ट एंड को हम मिला दें तो वो एक रिंग फॉर्म हो जाती है ओके और रिंग फॉर्म में क्या होता है आपके सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पे आपके पास जो डेटा है वो यूनी डायरेक्शनल होता है यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है यहाँ पे हमारी जो लास्ट प्रॉब्लम थी वो रिजोल्व हो जाती है कि अगर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो वो आगे डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस कहाँ पर एरर आ रही है ओके सो so, जो रिंग टोपोलॉजी है रिंग फॉर्म होती है इसके अंदर एंड कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन जो है वो सिंगल वे में होता है कोई भी डिलीशन ऑफ डिवाइस और फॉल्ट डिटेक्शन आइसोलेशन है वो इसमें आसान होता है क्योंकि हमें पता चल जाएगा अगर आ, इसके बी के पास डेटा नहीं आ रहा इसका मतलब ए में कोई फॉल्ट है ओके एंड इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर एक डिवाइस ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क में आ, जो कम्युनिकेशन है वो क्लोज हो जाता है बंद हो जाता है ये इसका एक फेलियर है तो इसका आ, यूज भी हम लोग जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है वहीं इसका यूज़ किया जाता है रिंग टोपोलॉजी का सो so, ये डिफरेंट टोपोलॉजी का मतलब है कि हम अपने जो डिवाइसेस हैं उनको कैसे नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं कैसे उनको कनेक्ट कर सकते हैं सो नेक्स्ट वन इज योर स्टार टोपोलॉजी जो लास्ट दो टोपोलॉजी थे वो ब्रॉडकास्टिंग बेस्ड थे नाउ स्टार टोपोलॉजी है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है यानी कि जो डिफरेंट आपके पास डिवाइसेस होते हैं यहाँ पे उन डिवाइसेस को हम एक सेंट्रल हब से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे एक हब है और ये सारे डिवाइस इससे केबल uh, से कनेक्टेड है नाव जो रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास समस्या आ रही थी कि एक नोड का ख़राब होने से पूरा चैनल uh, जो है पूरा नेटवर्क जो है वो काम करना बंद कर देता है बट यहाँ पे अगर आपका एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड रहेंगे थ्रू द हब यानी कि सिस्टम फेलियर तभी हो सकता है जब आपके हब में कोई समस्या आती है तो ये एक अच्छा है बेनिफिट है कि सिर्फ हब हाँ फेलियर होगा तो ही आपका नेटवर्क फेलियर होगा अदरवाइज आपका जो वर्क है वो ईजी में चलता रहेगा एंड फॉल्ट टॉलरेंस एंड आइसोलेशन भी इसमें है, आसान है ईजी है क्योंकि कोई भी सिस्टम समस्या कर रहा है तो वो डायरेक्ट आप उसको चेक कर सकते हो तो ये बात होगी हमारी स्टार टोपोलॉजी की नेक्स्ट वन इज योर मैश टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें क्या होता है देखिए एक इसका ड्रॉबैक यही कह सकते हैं हम लोग कि इसमें हमारे पास से जो है वायर जो है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है और इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि तो इसमें हर एक जो सिस्टम है वो बाक़ी सभी सिस्टम से इंडिविजुअली कनेक्टेड होता है यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल फोर सिस्टम्स हैं ओके नाउ दिस फोर सिस्टम्स विल बी कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली विद ईच हर एक सिस्टम जो है वो बाकी तीन तीन सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा यानी कि एन नंबर ऑफ सिस्टम्स अगर आपके नेटवर्क में हैं तो वो हर एक सिस्टम जो है बचे हुए एन माइनस वन सिस्टम से क्या होगा कनेक्टेड रहेगा इसलिए इसको हम बोलते हैं मैस टोपोलॉजी थोड़ा सा मैसी हो जाती है वायरिंग इसमें एंड ट्रैफिक uh, इसमें नहीं होता ट्रैफिक प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाती है क्योंकि हर एक सिस्टम इंडिविजुअली कनेक्टेड है तो आप इंडिविजुअली मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हो किसी भी नोड से एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है इंस्टॉलेशन में क्योंकि नेटवर्क थोड़ा ग्रो हो जाता है ज़्यादा इस वजह से तो ये आपका जो है वो मैस्ट टोपोलॉजी कहलाता है जब आपके हर एक सिस्टम जो है रेस्ट ऑफ सिस्टम से कनेक्टेड है नाउ लास्ट वन इज योर ट्री टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी को मैं हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोलता हूँ हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है डिफरेंट टोपोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि आपका सिंपल uh, एक हमने सिंगल बैकबोन केबल बनाया यानी कि बस टोपोलॉजी बनाई उसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट किया और ये नोड्स जो है आपका स्टार टोपोलॉजी बना रहे हैं तो इस तरीके से एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को मिला के हम लोग काम कर रहे हैं तो ये आपका कहलाता है ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड uh, टेपोलॉजी भी हम इसको बोलते हैं सो so, uh, इस इस तरीके का अगर हमें कोई नेटवर्क uh, बनाना है तो हम ट्री टोपोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं सो so, ये आपके डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपने नोड्स को किसी भी नेटवर्क के अंदर अरेंज कर सकते हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे वे में सो so, सारे जो टोपोलॉजीज़ हैं उनके आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पता होना चाहिए और डायग्रामेटिकली आपको समझाना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में स्टिल अगर आपकी कोई डाउट रहता है तो डोंट वरी इन फ्यूचर हम लोग जो है इसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ओके सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, uh, अच्छे से इसको स्टडी कीजिए ट्रांसमिशन मीडिया को भी और टोपोलॉजी को भी डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा सो थैंक यू कीप वॉचिंग कीप लर्निंग एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिफरेंट डिवाइसिस के बारे में स्टडी करेंगे